दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे 13 नवंबर 2021 आज के लव राशि फल के बारे में। आज आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपके रिलेशनशिप की स्थिति कैसी रहेगी, आइए जानते हैं। दोस्तों लव राशि फल शुरू करें उससे पहले आपको बता दें, हमारा लव राशि फल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है, उसी के अनुसार इस लव राशि फल को देखें व सुने। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों आज भी चंद्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, सतविशा नक्षत्र के चंद्रमा रहेंगे, राहु का नक्षत्र है, किस प्रकार की स्थिति आपके लिए निर्मित करेंगे आइए जानते हैं। दोस्तों राशिफल शुरू करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज के दिन आप भूल से भी डेट पर ना जाएं, क्योंकि वहां पर जाकर के आज जो आप करने वाले हैं वो आपके लिए काफी दिन तक ना भूलने वाला कुछ ऐसा हादसा हो सकता है। आज के दिन किसी को दोस्त बनाना है, किसी को प्रपोज करना है, किसी को इम्प्रेस करने के चक्कर में जाना आपके लिए खतरे से खाली नहीं है। आज के दिन विशेष रूप से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है और कुछ गलत फहमियाँ लव लाइफ में भी आने वाली हैं। आज के दिन में सबसे ज़्यादा गिफ्ट उपहार देंगे तो झगड़े हो जाएंगे। अगर आप कोई गिफ्ट देंगे तो आपकी जो उम्मीदें बढ़ जाएंगी वो उम्मीदें आपकी लव लाइफ में बहुत सारी परेशानी खड़ी कर देगी, इसलिए आज के दिन कोई गिफ्ट उपहार ना दें। और विशेष रूप से आज के दिन आप अपने पार्टनर को कोई प्रॉमिस ना करें। आज के दिन मैरिड लाइफ में कुछ गलत फहमियों से आप परेशान हो सकते हैं, लेकिन मैरिड लाइफ में भी आपको बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर की केयर करनी चाहिए और अपनी वाणी पर बहुत ज़्यादा संयम रखना चाहिए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, यहाँ पर स्थितियाँ बहुत बड़े धोखे को दर्शाती हैं। आज के दिन पार्टनर आपसे पीछा छुड़ाना चाहें, आपको समय ना दें, अपने आप कॉल ना करें। जो व्यक्ति आपको दिन में 10 बार कॉल करता था वो एक बार भी कॉल ना करें तो आपको बड़ा ही ये बुरा लगेगा और बहुत ज़्यादा आपको आशंका होगी, कहीं वो तो नहीं होने वाला है जो आपने कभी सोचा ही नहीं है। तो ये स्थिति रहेगी। दोस्तों 2022 का लव राशिफल में इस लव राशिफल आपको दे दिया गया है, अगर आप देखना चाहते हैं तो जाकर के देख सकते हैं। अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों सिंगल हैं तो आज के दिन आप डेट पर ना जाएं। आज के दिन आपसे कोई बड़ी गलती हो सकती है या पार्टनर आपका अपमान कर सकते हैं। आज के दिन आपकी लव लाइफ में या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बहुत परेशानी होंगी। हो सकता है आज के दिन अगर आप मुलाकात करने वाले हैं या मुलाकात के लिए आप बहुत ज़्यादा पार्टनर से कहने वाले हैं तो आज आपका अपमान हो, आपको इग्नोर करें और आप जितना आज उन्हें जो बात कहेंगे वो बात बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। आप जो कहेंगे वो अगर वो करने वाले भी होंगे तब भी आपकी बात सुन करके नहीं करेंगे, इसलिए आज के दिन आप अपनी कोई भी एडवाइस उन्हें ना दें। मैरिड लाइफ में आपके पार्टनर कुछ ऐसी बातें आज बोलने वाले हैं जिससे आपको लगेगा कि आपके पार्टनर आपको कुछ भी नहीं समझते हैं, उनके दिल में आपके लिए कोई प्यार वगैरह नहीं है। ऐसी बातें आज आपको जो दिल दुखाने वाली बातें वो बोल सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में स्थितियाँ ठीक रहेंगी, यहाँ पर थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन के साथ में दिन अच्छा बीतेगा। दोस्तों आप बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों सिंगल हैं तो आज के दिन आपको बहुत अच्छी स्थिति में जाना पड़ सकता है, या कोई व्यक्ति आपका दोस्त बन जाए, या कोई हंसमुख व्यक्ति आपके बहुत नज़दीक है, कोई बहुत अच्छा व्यक्ति आपको प्रपोज कर दे। आज के दिन प्रपोज करने के लिए समय बहुत अच्छा है। आज के दिन खास करके शाम के वक्त में नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं। पार्टनर आज कोई कमिटमेंट दे सकते हैं, लव लाइफ में आज कोई प्रॉमिस कोई वादा कर सकते हैं आप अपने पार्टनर से। और आज के दिन मैरिड लाइफ में ससुराल पक्ष से संबंध अच्छे करने की पहल आपके पार्टनर के द्वारा हो सकती है, आप भी करेंगे बहुत अच्छा रहेगा। आज के दिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके पार्टनर परिवार को लेकर के कुछ ऐसी बातें बोलेंगे आपके परिवार को लेकर के जिससे आपका दिल दुखेगा और आपको लगेगा कि इस व्यक्ति के साथ में हम क्यों हैं, जो व्यक्ति हमारे लिए बिल्कुल भी इमोशनल ही नहीं है, ये स्थिति है। दोस्तों आप बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों सिंगल हैं तो आज के दिन आप डेट पर जा सकते हैं, लेकिन आज के दिन बहुत ज़्यादा लव लाइफ में प्रॉब्लम होंगी, पुरानी बातों को लेकर के कन्फ्यूजन होंगी,
नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में जा सकते हैं। ब्रेकअप के लिए भी बार बार मन कर सकता है, मन अशांत रहेगा। एक तरह से मैरिड लाइफ में देखा जाए तो पास्ट की चीज़ों को लेकर के बहुत झगड़े होने वाले हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज के दिन आपसे कोई बड़ी गलती हो जाएगी जिससे आज आप पूरे दिन परेशान रहेंगे, ये स्थिति है। दोस्तों आप बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों सिंगल हैं तो आज के दिन आपको डायरेक्टली कोई मैरिज प्रपोजल मिल सकता है। आज के दिन आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से कॉन्टैक्ट में आने की उम्मीद बढ़ जाएगी। आज के दिन विशेष रूप से आपके लिए लव लाइफ में शादी को लेकर के फैमिली में बातचीत कर सकते हैं आपके पार्टनर। आप अगर फैमिली में बातचीत करना चाहते हैं दिन अच्छा रहेगा, लेकिन मैरिड लाइफ में यहाँ पर थोड़ा सा आपका दिन बोरिंग टाइप होगा। बहुत ज़्यादा आपसे लोग बात नहीं करेंगे, खास करके पार्टनर का उतना केयरिंग नेचर आज के दिन नहीं रहेगा जितना हम हमेशा आपके लिए रहता है, जितना वो आपकी सेवा भाव करते हैं वो नेचर आज के दिन नहीं रहेगा, या जितना भी रहता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज के दिन ईगो दिखाएंगे तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। ईगो अगर दिखाते हैं आप अपने पार्टनर को तो आज हो सकता है कि आज वो आपको अपना ईगो दिखाएं और आपके ईगो से बढ़कर ईगो दिखाएं, ये स्थिति है। दोस्तों आप बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों सिंगल हैं तो आज के दिन आप डेट पर जा सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से आज के दिन आपको कोई अच्छा व्यक्ति नहीं मिलने वाला है। इसलिए बहुत सावधानी से किसी को प्रपोज करना है या किसी के साथ में किसी भी प्रकार से आगे बढ़ना है, कोई बड़ा निर्णय लेना है तो आज के दिन बहुत सावधानी से लें। लव लाइफ में कोई थर्ड पार्टी परेशान कर सकती है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में अगर हैं तो आज पता लग सकता है कि आपका पार्टनर किसी और से बात कर रहा है, और विशेष रूप से आपकी मैरिड लाइफ में आपके पार्टनर का कोई पास्ट उनसे फिर से मुलाकात कर लिया है या उनसे बातचीत कर लिया है। आज के दिन आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बहुत बड़े धोखे का अंदाजा होगा और बहुत ज़्यादा आपकी जो आशंका होगी वो सत्य साबित होगी, ये स्थिति है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों सिंगल हैं तो आज के दिन आप कोई भी बड़ा निर्णय ना लें, खास करके किसी को प्रपोज करना या किसी के प्रपोजल को एक्सेप्ट करना। अगर ऐसा कोई निर्णय लेते हैं तो आज के दिन हो सकता है आपसे कोई बड़ी भूल हो जाए, बड़ी गलती हो जाए। मैरिड लाइफ और लव लाइफ में आज के दिन स्थितियां वैसे सामान्य रहेंगी, लेकिन विशेष रूप से आपको ध्यान देना है कि किसी भी प्रकार से आपको चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा मैनेज करेंगे, बैलेंस करेंगे तो हो सकता है कि आप वहाँ पर बुरे फंस जाएं। तो जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए और अपना जो नेचर है उसी तरीके से बात कीजिए। बहुत ज़्यादा बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। आज के दिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की स्थितियां बहुत अच्छी रहेंगी, यहाँ पर काफ़ी प्यार मिलेगा। दोस्तों आप बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों सिंगल हैं तो आज के दिन आप डेट पर जा सकते हैं। आज के लिए बहुत ज़्यादा पार्टनर आपके इमोशनल दिखेंगे, कोई प्रॉमिस कर सकते हैं आपके साथ में। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो कॉन्टैक्ट में आने की उम्मीद कम है, लेकिन मैरिड लाइफ में आज आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा आपकी केयर करेंगे, बहुत ज़्यादा महत्व देंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज के दिन पार्टनर आपको समझाने की कोशिश करेंगे, कुछ यकीन दिलाने की कोशिश करेंगे और आपको यकीन नहीं हो पाएगा, इसलिए वो ज़्यादा परेशान हो सकते हैं, ये स्थिति है। दोस्तों आप बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों सिंगल हैं तो आज के दिन आप किसी को भूल से भी प्रपोज ना करें। हाँ दोस्त बना सकते हैं, लेकिन आज के दिन किसी पर ज़्यादा भरोसा करना आपके लिए भारी पड़ सकता है। आज के दिन आप अपने पार्टनर से मुलाकात भूल से भी ना करें। ज़्यादा हंसी मजाक करना तो बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे और हंसी मजाक में कोई ऐसी बात निकल सकती है जिससे झगड़े शुरू हो जाए। आज के दिन किसी भी प्रकार से टॉर्चर करने वाला मजाक भूल से भी ना करें। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से कॉन्टैक्ट में आने की उम्मीद बढ़ जाएगी और मैरिड लाइफ में आपके पार्टनर अपनी किसी गलती के लिए माफ़ी मांग सकते हैं। आज के दिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा ऐसी बातें करने वाले हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा दुख होगा, आपको हर्ट करने की कोशिश करेंगे और फिर बाद में बोल देंगे कि वो सब मजाक था, लेकिन वो मजाक नहीं होगा, ये स्थिति है। दोस्तों आप बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों सिंगल हैं तो आज के दिन आप अपने परिवार के साथ में समय बिताएंगे, बहुत ज़्यादा बातचीत करने के लोग मिल जाएंगे आज के दिन,
और टाइम आज के दिन निकल जाएगा। आज के दिन विशेष रूप से आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट में आने की उम्मीद आज के दिन बढ़ जाती है। आज के दिन आपके पार्टनर का ईगो थोड़ा कम होता हुआ नजर आएगा और वो आपको समझने का प्रयास करते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर सबसे ज़्यादा लव लाइफ में आपको ध्यान देना है कि आपको अपने पार्टनर की फैमिली से अपने आप को कंपेयर नहीं करना है, और मैरिड लाइफ में भी इस स्थिति को बहुत ज़्यादा देखना है आपको। मैरिड लाइफ में आज फिजिकल रिलेशन को लेकर के झगड़े हो सकते हैं, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज के दिन आपको कोई पुरानी बात पता लग सकती है जिससे बहुत ज़्यादा आप नाराज़ हो जाएं अपने पार्टनर से। ये स्थिति है दोस्तों। आप बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज के दिन आप किसी के साथ में कन्फ्यूजन के साथ में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो आज के दिन भूल से भी पार्टनर से बातचीत करने की कोशिश ना करें, नहीं तो आपका अपमान हो जाएगा। आज के दिन सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा डैमेज होगी आपकी, और सबसे ज़्यादा बुरी स्थितियाँ उन लोगों की बनेंगी जो लव लाइफ में बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर पर भरोसा करते हैं। आज के दिन भरोसा तोड़ सकते हैं पार्टनर, और आपसे बहुत सारे झूठ बोलने वाले हैं। आज के दिन मैरिड लाइफ में कुछ गलतफहमी बन सकती है जिस वजह से झगड़े हो सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में मुलाकात हो सकती है। ये स्थिति है दोस्तों। आप बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों, सिंगल हैं तो आज के दिन बहुत ज़्यादा खर्चे होने वाले हैं आपके, और किसी को इम्प्रेस करने के जो खर्चे या जो समय बर्बाद करेंगे वो आपका व्यर्थ जाएगा। बहुत सारी स्थितियाँ आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बन रही हैं। पार्टनर्स रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट में चले जाएं, कॉन्टैक्ट में अगर आना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान रहें। आज जितनी कोशिशें करें सब में विफल रहें। लव लाइफ में ब्रेकअप हो जाए, और विशेष रूप से आपके लिए मैरिड लाइफ में डाइवोर्स इत्यादि की धमकियां या बहस की स्थिति बनी रहे। आज के दिन कोई थर्ड पार्टी की भी स्थिति नज़र आएगी, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज के दिन कन्फ्यूजन रहेंगे और बहुत सारे गलत निर्णय आपके द्वारा लिए जा सकते हैं, या आप कुछ ऐसे प्रॉमिस के धोखे में आ जाएं, ऐसे कुछ वादे आपके पार्टनर करें जिन पर आप यकीन कर लें लेकिन वादे वो झूठे होंगे। ये स्थिति है दोस्तों आज के लव राशि फल की। अगर आपको आज का लव राशि फल पसंद आया, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। और क्योंकि 2022 का लव राशि फल हमने आज से देना प्रारंभ कर दिया है, तो अगर आप देखना चाहते हैं अपना 2022 का लव राशि फल तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।